नमस्कार आप जे नाइन न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रहे हैं लखनऊ से, आपको कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी बांद्रा अमोसी एयरपोर्ट में लगभग 1:30 बजे पहुंचे और वहां से आलमबाग नगर होते हुए चारबाग होते हुए जो गांधी प्रतिमा सामने पहुंचा, गांधी जी को गांधी जी की मूर्ति पे फूल अर्पण करने के बाद वहां पे मौजूद है जुड़ चुका है राम सिंह जी। जरा बताइए क्या मामला है, क्या स्थिति बने हुई है यहाँ पे? स्थिति ये बनी हुई कि अभी तक जो वहाँ पर गांधी पे प्रतिमा फूल अर्पण करने के बाद से ये वहाँ पे धरने पे बैठी हुई है। अच्छा, प्रियंका जी अभी गांधी प्रतिमा पे धरना पे बैठे हैं? हाँ, अभी तक सुबह 3 बजे लगभग 3 बजे इन्होंने गांधी की प्रतिमा पे फूल अर्पण किया था। उसके बाद से वहीं पर धरना पे बैठी हुई है और मौन व्रत किया हुआ है, किसी भी मीडिया से या किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही है। अच्छा, अभी वहाँ का सिचुएशन क्या बना हुआ है? यहाँ पे जो कार्यकर्ता वगैरह है, सभी जो लोग आए हुए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सभी लोग वहाँ पे उनके साथ में ही धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार के योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन मनाने से जुटी हुई है कि किसी तरह धरना ये जो लोग बैठे हुए हैं हाँ इसको खत्म किया जाए, लेकिन वो अभी तक मौन व्रत किए हुए तो क्या बैठी हुई है। अभी वहाँ पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया, किस तरह की वहाँ मुश्किल? पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे है कि वो चाह रहा है कि कहीं ऐसा कोई अप्रिय घटना किसी तरह ना हो और वो प्रियंका गांधी को काफी टाइम से मनाने में जुटे हुए हैं। हाँ, वो अपना ये व्रत जो आज मौन व्रत किए हुए बैठी हुई है, धरना पे बैठी हुई है, वो खत्म कर दे। अच्छा, जैसे आगे का रणनीति जैसे था वहाँ प्रताप राणा चौराहे पे जाने का था, तो उस विषय पे कुछ प्रतिक्रिया खबर मिल रहा है कि कैसे होगा, कहाँ कब पहुंचेंगे वहाँ? अभी तक उसकी चीज के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जब से 3 बजे लमसम मान के चलिए कि आप 3 बजे से ये धरना पे बैठ गई है। धरना बैठने के बाद में ना तो इन्होंने किसी से कोई बाइट दिया है ना कोई किसी से बातचीत किया है, सिर्फ मौन व्रत किए हुए हैं। आम जो कार्यकर्ता ये लोग सभी लोग हैं वो भी उन्हें के साथ में बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या हो रही है अभी कुछ कहना मुश्किल है। ये हमारे साथ आप बिल्कुल इस खबर पे गड़े रहिए और डटे रहिए और पल पल का अपडेट देते रहिए। ये बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी का महासचिव प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक आए और वहां पर फूल अर्पण करने के बाद मौन व्रत करके वहां धरना पे बैठ गया। आखिर किस वजह धर के बैठा है, किस तरह से, अभी इसकी कोई सूचना जानकारी नहीं मिली, जो कि हमारा संवाददाता राम सिंह वहां पहुंचे। आगे का जो रणनीति थे ये आगे राणा प्रताप चौराहे हुसैनगंज पहुंचना था, वहां से कांग्रेस कार्यालय पहुंचना था, इसका कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाए। ठीक है, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए और पल पल के अपडेट देते रहिए राम सिंह जी। अभी सर जी अभी बताना चाहूंगा कि जस्ट 2 मिनट पहले ही अभी अभी वो बात हो रही है कि जो पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है काफी टाइम से इनको मना रहा है, अभी भी मना रहा है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता की वजह से, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वो जो हो रहा है कुछ धक्का मुक्की हुई जिसमें की कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा आक्रोश आ गया था, प्रशासन मुक्त होने के ये जो धक्का मुक्की हुई है प्रशासनिक की तरफ से हुआ है कि कार्यकर्ता के अंदर में हुआ है? नहीं, कार्यकर्ता और प्रशासन दोनों, जब जो मीडिया या कुछ कार्यकर्ता है जो प्रियंका जी के अपने वाडा जी के पास में जाना चाह रहे हैं, उनके साथ में कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं उसी में, और प्रशासन जो है जो मनाने में जुटा हुआ है इनको, किसी तरह ये मान जाए और यहाँ से अपना ये धरना जो इन्होंने दिया हुआ है ये अपना खत्म कर दे। क्या ये मीडिया के साथ में कार्यकर्ता का धक्का मुक्की हुई क्या? हाँ, मीडिया के कुछ लोगों के साथ में जो मीडिया के थे, जो पुलिस प्रशासन थी या ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता थे, क्योंकि जो मीडिया जो कवरेज कर रही है तो कवरेज में ये जो कार्यकर्ता भी है वो भी काफी भीड़ करता है। एक तरह से देखा जाए कि पहले से प्रशासन ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया हुआ था कि ना उनको ये समझ में रहा होगा कि इतना ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी रहा क्योंकि यहाँ रुकने की कोई काम ही नहीं था, जो कि विभाग की तरफ से जो इनका पार्टी की तरफ से जो सूचना दिए गए थे वहाँ हजरतगंज बैठने का तो कोई बात ही नहीं थी। जो भी हो, इस हिसाब से हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग हुआ हो। और ये बड़ी खबर आ रहा है जो कि वहाँ कार्यकर्ता और प्रशासन और मीडिया कर्मी के साथ में धक्का मुक्की की बातें भी सामने आ रही।
रहिए और राम सिंह जी इस खबर पे आप बराबर आप डटे रहेंगे और पल पल के अपडेट आप देते रहे, क्योंकि यहाँ 2:30 बजे कांग्रेस कार्यालय पे इस हुजूम को पहुंचना था, अभी तो बहुत समय हो गया और इस समय को देखते हुए अभी तक वही पे हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने माननीय प्रियंका गांधी बांडा जी वही धरना पे मौन व्रत पे बैठे हुए हैं। ये कहना मुश्किल होगा कि कब तक प्रियंका जी मौन व्रत खोलेंगे और आगे का रणनीति बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की मन को विजय देना या उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति प्रियंका गांधी बांड्रा का अंदर में घूम रहा, यह कहना मुश्किल होगा इस वक्त। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, अभी जो मौजूदा खबर हमारे सामने आ रहे हैं ये तो सिर्फ इतना आ रहा है कि प्रियंका गांधी प्रतिमा का सामने हजरतगंज में मौन व्रत पर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद राम सिंह जी, आप इस खबर पर डटे रहिए, धन्यवाद, नमस्कार सर। महात्मा गांधी प्रतिमा स्थान पर यहाँ पे कांग्रेस के आए हैं, अपना नाम सोच राहुल कुमार गौतम एडवोकेट और गोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जो गुजरा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं। हम लोग ये मांग करते हैं प्रदेश सरकार से कि कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी सरकार 2022 की बनेगी। दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल सारी चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों पे हम प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आ गई है आज उत्तर प्रदेश के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हैं, पूरी जनता महंगाई से त्रस्त है और आप देख रहे हैं कि किसान वर्ग भी हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हों, चाहे वेतन भोगी लोग हों, चाहे मजदूर हों, सब महंगाई से, चाहे किसान हो, सब परेशान है। नौजवानों के पास हाथ में काम नहीं है और दूसरी तरफ महंगाई हमें मार रही है। आप देख रहे हैं कि किसान अगर 15 किलो गेहूँ जब बेचता है तब 1 किलो सरसों का तेल खरीद पा रहा है, और सरसों का तेल इतना महंगा खरीदने के पीछे एक कारण है कि एक तरफ गाँव में छुट्टा पशु किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उपाध्यक्ष हूँ जनपद कुशीनगर, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय परम सदस्य श्री अजय कुमार लालू जी का भी जनपद है और ओबीसी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज कुमार यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सुबह 7 बजे से 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है हम लोग इंतजार कर रहे थे माननीय राष्ट्रीय महासचिव बीबी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में। आज जो है उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो है रवैया जो दिखाई है वो बिल्कुल गलत है। किसान त्रस्त है, किसानों पे बार बार चोट किया जा रहा है। हम आपसे माध्यम बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, 2022 में हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं प्रियंका गांधी, मनोज कुमार यादव, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जो है अधिक से अधिक सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। प्रदेश सचिव विधि विभाग के मैं हूँ, मैं यहाँ पे आज माननीय प्रियंका गांधी जी हमारी दीदी आई हैं और एक तरह से माहौल खुशी का छा गया है। यहाँ पे दीदी आई है, दीदी आ गई यहाँ पे, और जिस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार 32 साल से सत्ता में नहीं है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी और योगी सरकार ने अपनी जनता को किस तरह से ठगा है, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे माइनॉरिटी आरक्षण हो, हर वर्ग बुरी तरह से ठगे गए हैं। अब की हमको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी वाड्रा के नेतृत्व में बनेगी, जरूर बनेगी। राम सिंह की रिपोर्ट। सर आप अपना नाम बताइएगा। जी सर, सर आप कहाँ से हैं? मैं प्रतापगढ़ का पूर्व जिला कांग्रेस। जी बताइए, आज की रणनीति में क्या क्या रहा, क्या कैसे क्या रहा? आज माननीय और कार्यकर्ताओं ने 2022